اللهم صل على قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبنانا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات بھیجتے ہیں ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کیا ہے ہمارے رسول اگر اب بھی لوگ آپ سے کٹ ہجتی کرتے رہیں اور بحث کرتے رہیں اور بات نہ مانیں آپ کی تو اب ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں بیٹیوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ اور اس کے بعد گڑگڑا کے اللہ کی راہ میں اللہ سے دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں یہ آیت تاریخ اسلام کے ایک مشہور واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور اس کے اندر پوری اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے جو واقعہ واقعہ مباہلہ کے نام سے اسلام کی تاریخ میں جانا جاتا ہے اس کی تفسیر یہ ہے اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نجران کے نصرانی لوگ عیسائی لوگ کرسچنز جو تھے نجران میں ان لوگوں نے جب اسلام کو دیکھا کہ پھیل رہا ہے اور اس کا غلبہ ہو رہا ہے اور لوگ تیزی سے اور شدت سے اسلام قبول کر رہے ہیں تو ان کے راہبوں نے عالموں نے کہا کہ ہمارے لوگ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور ہمارے یہاں بھی اسلام کے چرچے شروع ہو گئے ہیں لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم ایک ڈیلیگیشن بنا کے ان سے جا کے ملیں اور مل کے بات کریں ایک دو دن تک باتیں کرتے رہیں گے اور اس کے بعد پلٹ کے آ کے اپنے عوام سے یہ کہہ دیں گے کہ ہم چلے گئے تھے خود اور جا کے بات کی دیکھ کے آئے بحث کر کے آئے ہم کو تو وہ سیٹسفائی کر نہیں پائے اور ہماری باتوں کا تو جواب دے نہیں پائے اور یہ وہ رسول نہیں ہیں جن کا تذکرہ انجیل میں ہے ہم تو خود گئے تھے اور خود دیکھ کے آئے اس طریقے سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہو جائے چنانچہ وہ پہلے سے اپنا ذہن بنا کے گئے کہ ہمیں خالی بحث کرنا ہے ماننا نہیں ہے ایک دو دن بحث کریں گے اور اس کے بعد چلے آئیں گے چنانچہ وہ بحث کرنے کی نیت سے مدینہ پہنچے
सरवरे कायनात ने उनका इस्तकबाल किया, जैसे मेहमानों से मिला जाता है उस तरह मिले। मस्जिद में रेत का फर्श था, कोई फर्श नहीं था, चटाइयाँ या दरी या कालीन या इस तरह की कोई चीज़ मस्जिद में नहीं थी। रसूल के समंदरी रेत लोग ले आते थे, वही बिछी थी। आपने उनके वास्ते अपनी हवा बिछा दी। मेहमान नवाजी, इस्लाम ने मेहमान नवाजी सिखाई है, चाहे कोई भी हो, अपनी हवा बिछा दी और उनको बिठाया। उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया कि हम इसलिए आए हैं कि आपसे बात करें, और हमारा नजरिया, हमारा अकीदा ये है। तो रसूल ने बड़ी खंदा पेशानी से उनका इस्तकबाल किया, और जब बात शुरू हुई तो सरकार दो आलम ने हज़रत ईसा की बहुत तारीफ की। कुरान ने तारीफ की है, ज़ाहिर है हज़रत ईसा की सरवर कायनात ने तारीफ की और क्या बेहतरीन शख्सियत, अजीम इंसान है, ये वो तमाम चीज़ें जो हज़रत ईसा के शायन शान थी वो सब बयान की। और जब सारी तारीफें कर चुके तो कहने लगे, बस एक कमजोरी थी उनमें, और तो कोई बात उनमें नजर नहीं आती सिवाय अच्छाइयों पे, बस एक बात थी। तो सारे मजमे ने कहा, वो एक बात क्या, वो कौन सी बात जो आपकी समझ में नहीं आती, जिस पर आपको इतराज़ है? कहा, वो बात ये थी कि वो इबादत बिल्कुल नहीं करते थे, वो इबादत नहीं करते थे, बस इतनी सी बात है, और तो सब बातें बहुत उमदा। बस इतना कहना था कि वो सब चीखने लगे, अरे साहब आप कैसी बात करते हैं, आपके इल्म में नहीं है, वो तो ऐसी इबादत करते थे, ऐसी इबादत करते थे, ऐसी इबादत करते थे। और अब हजरत ईसा की इबादत के वाक़ियात उनके बड़े पादरी ने और जितने उसके साथ थे सब ने एक एक करके बयान करना शुरू किए। हुज़ूर खामोशी से उन सब की बात सुनते रहे। जब वो अपनी बातें कह चुके तो आपने फरमाया, तो फिर आपका जवाब तो हो गया। कहा, हमारा जवाब कहाँ हुआ? कहा, आपने उनकी इबादत के किस्से बयान किए, तो जब वो खुदा के बेटे थे और खुदाई में शामिल थे तो वो इबादत किसकी करते थे? वो इबादत किसकी करते थे भाई? क्या बात? तो बात तो पहली मंजिल में खत्म हो गई थी। अगर कोई वाकई सवाल के जवाब करने आया होता तो वो तो वहीं पर लाजवाब हो गया था, बात खत्म हो गई थी पहली मीटिंग में। मगर वो लोग को तो कठोजती करने पाए थे, बहस करने पाए नहीं थे। उन्होंने इधर उधर की और बातें छेड़ दी, ये किया वो किया। मुख्तसर ये है कि दो दिन तक, तीन दिन तक मुसलसल बहस होती रही, और आखिर में वो दिन आया कि अब ये तीन दिन के बाद ये चले जाएंगे, तो अगर ये यूं ही निकल गए तब तो बड़ा नुकसान होगा, और ये अपनी बस्ती में जाके वही कहेंगे जिसलिए आए हैं। लिहाजा ये आयत नाजिल हुई जिसकी मैंने तिलावत की है कि फमन हाज जगफी है मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। अब अगर इसके बाद भी लोग आपसे कठोरजती करें जबकि आपके पास इल्म आ चुका है, इल्म से मुराद कुरान है, इल्म से मुराद कुरान, ममन हाज जगफी है मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। अब अगर इसके बाद भी ये लोग आपसे कठोरजती करें जबकि आपके पास इल्म आ चुका है यानी कुरान आ चुका, तो आप ये यूं मानने वाले नहीं। इनसे कहिए कि हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ,
हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करें। इत्तेहाल कहते हैं गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह में रोना, सुम्मा नबतहिल, फिर हम गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआएं मांगे और क्या करें, नज अल्लाह रतल्लाह है ललकाजीर, अल्लाह की लानत करार दें झूठों पर, अल्लाह की लानत करार दें झूठों पर। ये उनको चैलेंज दिया गया। यह आयत मैंने इसलिए शुरू की है, वाकया मुकम्मल कर दूं ताकि किसी के जहन में तशवीश न रह जाए। दूसरे दिन सरवरे कायनात बैतुल शरफ से जो बरामद हुए हुक्म खुदा के पूरा करने के लिए, जैसा कि कुरान में आया था, तो इमाम हसन उंगली पकड़े हुए साथ थे, इमाम हुसैन रसूलुल्लाह की गोद में थे, उनके पीछे पीछे रसूलुल्लाह के जनाबे सैयदा थी और जनाबे सैयदा के पीछे मौला अली थे। इस तरीके से छोटा सा सच्चाई का लश्कर ये हक और सिदाकत का लश्कर मदीने की गलियों से होता हुआ उस मकाम तक पहुंचा जहां पर उनके खेमे लगे और जिस जगह पर वो ठहरे हुए थे। वो जगह निस्बतन बुलंदी पर थी जहां उनके खेमे लगे थे और वो लोग इंतजार में थे कि सरवर कायनात आते होंगे। चुनाचे उनका वो सबसे बड़ा प्रीस जो था, उसको फे आजम, ये उसको प्रॉपर नाउन नहीं है, ये ओहदा है जो सबसे बड़ा होता है, प्रीस उसको कहते हैं। तो उसने आते हुए मजमे को देखा और मुड़ के अपने साथियों से कहा कि मैं वो सूरतें देख रहा हूं कि अगर कह देंगे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा, अगर कह देंगे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा, इनसे मुबाहला ना करना, खबरदार इनसे मुबाहला ना करना, वरना कोई नसरानी रूए जमीन पर जिंदा बचेगा नहीं। क्या कहने, ये कह के वो बुलंदी से नीचे आया और वो मामला जो तीन दिन में फैसल नहीं हो पाया था अब एक मिनट में फैसल हो गया। उन्होंने कहा हुजूर हम आपसे मुबाहला नहीं करेंगे, हमें मुबाहला नहीं करना है। रसूल रहमत मुजस्सम थे, उन्होंने कोई ज्यादती नहीं की कि नहीं मैं तो बस दुआ करूंगा, ना ये तालीमात इस्लाम के खिलाफ। बड़ी खंदा पेशानी से जवाब दिया, न सही तुम्हारी मर्जी तो फिर ठीक है ना करो, इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तुम्हारी समझ में आता मुबाहला ना करो, कोई बात नहीं, ये मजहब हमारा है, ये फलसफा है, ये है, ये तुम्हारे सामने है, इसको कबूल कर लो। कहा नहीं ये भी नहीं हो पाएगा हमसे, ये भी नहीं हो पाएगा। अच्छा तो फिर कुछ टैक्स दे दिया करो, जिजिया जिसको अरबी में कहा गया है,
जिजिया के लिए यूरोप ने बहुत गलत बातें की हैं, टैक्सेस जो इस्लाम में हैं, खुम्स ज़कात वगैरह, फितरा और ये सब, ये नॉन मुस्लिम्स पर नहीं है, मुसलमानों पर है। तो नॉन मुस्लिम्स के लिए जो टैक्स है उसका नाम जिजिया है, और उसके नतीजे में स्टेट की जिम्मेदारी है उनके जानो माल की हिफाजत। ये एक अलग सब्जेक्ट है और ये इस वक्त का सब्जेक्ट नहीं है जो अर्ज करूं आपसे, लेकिन जिजिया देने के बाद फिर स्टेट जो है वो उनके जानो माल का जिम्मेदार होता है कि जिजिया देने वाले कोई कत्ल ना करे, कोई मारे नहीं, कोई सताए नहीं, कोई उसकी माल ना खा जाए, कोई उसकी जायदाद ना हड़प कर ले। ये सब चीज़ें जो हैं इसकी हिफाजत स्टेट के जिम्मे होती है। कहा कि थोड़ा सा टैक्स दे दिया करो, उनका हाँ ये मंजूर है, अब तो फंसे हुए तो थे ही, अब क्या करते, सोचे बहुत लंबा टैक्स लगाएंगे। उन्होंने बिल्कुल नॉमिनल टैक्स लगाया जिसकी कोई कीमत ही नहीं थी, जरा सा बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल हर आदमी साल में 2 रुपए दे दे, मसलन आजकल को कह दे कि ऐसा साल में 2 रुपए दे दिया कीजिए, तो साल में 2 रुपए की कीमत क्या हुई। उन्होंने बिल्कुल नॉमिनल टैक्स लगाया, वो तो शाद हो गए कि इसकी तो कोई कीमत ही नहीं, कुछ भी नहीं है। कहा जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम हाजिर कर देंगे, हम हाजिर करेंगे। कहा बट ठीक है जाओ। तो दरहकीकत रसूल उनके पैसे को लूटना नहीं चाहते थे कि उनसे पैसे ले लें, माल की कीमत नहीं थी। ये टैक्स नॉमिनल इसलिए था कि ये खिराज मिलता रहे इस्लाम की सिदाकत को। तो जो मसला 3 दिन हल ना हुआ, बाद माजा कमिनल हिल्म, बाद इसके के कुरान आ चुका, अहले बैत के आ जाने से 1 मिनट में हल हो गया। तो मालूम हुआ कि कुरान तन्हा जो है वो मसाइल को हल नहीं कर सकता बगैर अहले बैत के, जब तक अहले बैत लेकिन ये कि वो फाउंडेशन जो है वो पहले से मजबूत करके बना दी जाती है कि इसके ऊपर ये इमारत बनेगी। तो इस्लाम की पूरी फाउंडेशन जो है वो पंजतन के पाक के जमाने में रखी है। मुआफ़िकत, मुखालिफत, दोस्ती, दुश्मनी, अदावत, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ इसी जमाने में हुआ। अब इसके बाद अकीदतों के लिहाज से, मोहब्बतों के लिहाज से, नजरियात के लिहाज से, फिक्र के लिहाज से कोई किसी तरफ बाहर निकला, कोई किसी तरफ चला गया, लेकिन असल मेन मेजर वाकयात जो थे वो सब उसी के अंदर हो गए। अब उसी का रद्द अमल है जो आज तक जाहिर हो रहा है 1300 बरस। और हमारा लिहाजा हम बुनियादी तौर से आज की बात करने से बेहतर है तो उस जमाने की बात करें तो उस जमाने से लेके क्या हुआ। तो अब इसलिए मैंने इस आयत को मुंतखब किया कि आयतें तो मध्य रसूल में बहुत हैं, कुरान में मध्य अली में भी आयतें हैं, जनाब फातिमा की शान में भी आयत है, हसनैन अलैहिस्सलाम के लिए भी हैं, लेकिन तफसीरी इख्तिलाफात, आपसी बहसें, उलमा के नज़रियात, फिक्र की लफ्जिशें, कुरान को अपने मतलब से इंटरप्रेट करना, उन सब के असरात उन आयतों में देखे जा सकते हैं तफसीर में। कुरान मजीद में ये वाहिद आयत है जिसके अंदर एक आयत में पंजतन का तस्करा है। एक आयत में पंजतन का तस्करा है, ये अकेली आयत है जिसके अंदर एक आयत में पंजतन का तस्करा है पूरा। और दूसरी बात कि ये आयत तफसीरी इख्तिलाफात से पाक है, क्या बात, यानी इस आयत के सिलसिले में कोई बहस ये नहीं है कि ये इनकी ये मुराद है, उनसे वो मुराद है, उनसे वो मुराद है। आयत अथीर तफसीरी इख्तिलाफात से न बच सकी,
आए मुद्दत तफसीरी इख्तिलाफात से न बच सकी, आए विलायत तफसीरी इख्तिलाफात से न बच सकी, सूरह ज़हर तफसीरी इख्तिलाफात से न बच सका, लेकिन ये 1400 बरस से तफसीरी इख्तिलाफात से बची भी आए थे। पंजतन का तस्किरा है, अबना आना में हसनैन आ गए, मुखातिब खुदा रसूल से है, रसूल आ गए, अबना आना में हसनैन आ गए, निशाना में जनाब मासूमा आ गई, अनफसाना में अली आ गए। सब कहते हैं कि इन्हीं पंजतन को लेके निकले थे रसूल, इन्हीं पंजतन को लेके निकले थे रसूल। तो पंजतन का तस्किरा इस आयत में है और तफसीरी इख्तिलाफात से यह आयत जो है ये पाक है। फिर आलम इस्लाम में मुसलमानों की अक्सरियत, मुसलमानों की अक्सरियत और मजारिटी पंजतन को मानती है, पंजतन का एहतराम करती है, अपने अपने तरीके से, अपने अपने नज़रिए के एतबार से, बहरहाल पंजतन पाक का एहतराम आलमी इस्लाम में आम है और आलमी इस्लाम की बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो पंजतन को मानती है। वैसे कुछ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज हैं जो अपनी अदावत का भी इजहार करते हैं, मगर उनका कोई एतबार नहीं है। लिहाजा शान पंजतन अगर बयान हो तो शायद किसी मुसलमान की दिलाजारी भी ना हो, किसी का दिल भी ना दुखे, बल्कि शायद हर एक कहे कि मेरे दिल की आवाज है। इसलिए कि ये लोग वो हैं जो रसूल के करीब तरीन लोग हैं और ये वो लोग हैं कि जो रसूल के साथ दुरूद में शरीक हैं और ये वो लोग हैं जो कानूनी तौर से सिदाकत रसूल के लिए खुदा की तरफ से तलब किए गए हैं और ये वो लोग हैं जो मैदान मुबाहला में खड़े उतर के बनस्ते कुरानी सच्चे साबित हो चुके हैं। इसलिए कि जबानी दावा कर देना कि मैं सच बोलता हूं, कोई मुझे आज तक ऐसा ना मिला कि जो कहे जनाब मैं थोड़ा सा झूठ भी बोलता हूं। मैं आपसे बातें तो कर रहा हूं मगर मैं जरा झूठ बोलने का आदी हूं। जो है उसका दावा यही है कि जनाब मैं झूठ तो बोलता नहीं, जनाब झूठ तो मेरी आदत नहीं। अरे आंखों में आंखें डाल के झूठ कह रहे हैं और कह रहे हैं मैं झूठ नहीं बोलता। न जाने आपको भी जिंदगी में ऐसे लोग मिले होंगे, मुझको भी मिले हैं, समझे आप, कि जनाब मैं झूठ को बोलता हूँ, झूठ से तो मुझे नफरत है। लेकिन हम बोलें या ना बोलें, कुरान तो हमें सच्चाई की सनद देता नहीं। कुरान ने पंजतन को मुबाहले के दिन सच्चाई की सनद दी। अब जब नसारा नजरान को शिकस्त दे के ये अपने घर पलट रहे हैं तो कुरानी मोहरें लगी हुई हैं इनके ऊपर कि ये सच्चे हैं। कौन सच्चा है? रसूल सच्चे हैं, अली सच्चे हैं, फातिमा सच्ची हैं, हसन सच्चे हैं, हुसैन सच्चे हैं। और कैसे नाजुक मौके पर जब दुश्मन सामने बैठा हुआ है मुखालिफ और कुरान वो नहीं कह रहे हैं, कुरान कह रहा है, खुदा कहलवा रहा है रसूल से कि इनसे कह दीजिए कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं। या अल्लाह तू बड़ा कुदरत वाला है ये हम मानते हैं,
तूने अपने हबीब को बेटे दिए मगर कमसिनी में ले लिए। जिस वक्त मुबाहला हो रहा है उस वक्त रसूल का कोई बेटा मौजूद नहीं, उस वक्त रसूल का कोई बेटा मौजूद नहीं है। ऐसे मौके पर दुश्मन के सामने बेटे को बुला रहा है, बेटे कहां से मिलेंगे? भाई शख्स के बेटा नहीं है, या पैदा हुआ था कमसिनी में फौत हो गया। मैं अपने बेटे की शादी करने उठा, मैंने कहा उन साहब से कहा जिनके बेटा नहीं था कि शादी है, मैंने लड़के की तशरीह लाइएगा। उनने कहा जी हाँ मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। मैंने कहा अपने बेटे को भी लाइएगा तो कितना दिल दुखेगा उसका, और सोचेगा मेरी तौहीन कर रहे हैं कि बेटा नहीं है। इसलिए इनको तो मालूम मेरे पड़ोसी हैं कि मेरे बेटा नहीं है, इन्होंने कैसे कहा कि बेटे को लाइएगा? शायद खुद भी ना आए वो इस बात के बाद कि बेटा कहाँ से लाऊं, कैसे आऊं। अगर कोई अजनबी कहे तो खैर चलिए ठीक है, शादी में बाल बच्चों को बुला लिया जाता है, फैमिली लिख दिया जाता है कार्ड पर। मगर ये कि अगर दीवार बीच है और उसको मालूम है कि इनके बेटा नहीं है तो ये कहने के माने क्या है कि अपने बेटे को लाइएगा? अल्लाह को तो सब इल्म था, ऐसा तो नहीं कि अल्लाह को इल्म नहीं था कि इनके बेटे नहीं है। फिर ये आयत का मतलब क्या हुआ कि अपने बेटों को लाओ? महबूब सब कुछ तेरी कुदरत में है, ये तो ठीक है, मगर एक रात में कैसे बेटा हो जाएगा जो कल ये बेटे को लेके जाए? मुमकिन है जवाब दे, घबराओ नहीं, इंतजाम करना हमारा जिम्मा है, इसीलिए नफ्से अली को मोल लेके रखा था। नफ्से अली को मोल लेके रखा था क्या अब मोहम्मद को बेटे ढूंढने की जहमत ना करना पड़े? और चले तो उन दोनों बेटों को लिए हुए चले, हसन हुसैन रसूल के बेटे, हसन हुसैन रसूल के बेटे। अब सच्चे दिल से और ईमान से सोचिए आप कि कुरान में रजिस्ट्री हो गई, मोहर लग गई कि ये रसूल के बेटे। चुनाचे हसन हुसैन को फर्जंद रसूल कहा गया। जिन लोगों ने इमाम नहीं माना, जिन लोगों ने मासूम नहीं माना, जिन लोगों ने जुल्म किए, उन्होंने भी फर्जंद रसूल होने से इनकार नहीं किया। इसलिए फर्जंद रसूल होने से इनकार नहीं बन पड़ा कि कुरान में अब नाना का लफ्ज मौजूद है, लिहाजा ये रसूल के बेटे। इस्लाम की तारीख के अंदर जो मरहले हैं और जो मुश्किलें हैं और जो मामलात हैं वो काबिले गौर हैं। हुकूमत की तलब, दुनिया की लालच, इख्तदार की हवस, चंद दिरहम और चंद दीनार, थोड़ी सी जमीन, थोड़े से खजूरों के तरफ, इन पर ईमान बिके हैं और उसके नतीजे में इस्लाम में तबाही और बर्बादी आई है। लोग जज्बाती हो जाते हैं और सच्चाइयां सोचते नहीं हैं। इस्लाम की तारीख रसूलुल्लाह के 100 बरस के अंदर कितनी खूंचका है और कितनी इबरतनाक है और कितनी तकलीफ देह है, ये हम बयान नहीं कर सकते।
कुरान आज भी हर मुसलमान के घर में है और कुरान में आज भी अपना आना का लफ्ज मौजूद है और तफसीरों में आज भी अपना आना की तफसीर में हसन हुसैन का नाम लिखा है। तो ये आज नहीं लिखा गया है, ये रसूल के जमाने से है, ये उस दिन से है जिस दिन से सरवरे कायनात मुबाहले में लेके निकले थे। तो बनस्त कुरानी हसन हुसैन रसूलुल्लाह के बेटे हैं, वो खुदा जिसने हसब व नसब को खल्क किया है, वो खुदा जिसने रिश्तों को बनाया है, वो खुदा कह रहा है कि हसन हुसैन रसूल के बेटे हैं। अब आपको इख्तियार है, चाहे खुदा की मानिए चाहे दुनिया की मानिए, इसलिए कि हमने तो ये देखा कि रसूल के दुनिया से जाने के 50 बरस के अंदर अंदर उम्मत ने अबू सुफियान के बेटों का साथ दिया, मोहम्मद के बेटों को छोड़ दिया। आलम इस्लाम इसका क्या जवाब पेश करेगा और दुनिया इसके लिए क्या कहेगी कि ये क्या हुआ। लेकिन जुल्म जौर कत्ल गारत गरी आज की नई चीज नहीं है, हम 1400 बरस से देखते आ रहे हैं। हम 1400 बरस से देखते आ रहे हैं। अगर तारीख के बरफ पलटे जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि दुनिया ने रसूल के साथ क्या सलूक किया। जख्मी हुए, वतन छोड़ा, फाके किए, शाह अबू तालिब में मशहूर रहे, कितनी तकलीफें उठाई और इस दुनिया ने कितनी तकलीफें दी। कहिए उसका तस्करा नहीं कीजिए, वो तो जमाने कुफर की बातें थी। वही काफिर जब मुसलमान हो गए तो उन्होंने आले रसूल के साथ क्या सलूक किया, अली को कितना सताया, फातिमा को कितना रुलाया, हसन हुसैन के साथ क्या सलूक किया, करबला में क्या हुआ, और ये सब रसूल के 50 बरस के अंदर हुआ।